व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस फर्स्ट आप सबको हैप्पी दिवाली। ठीक टाइम पे विश नहीं कर पाया बिकॉज उस टाइम कोई वीडियो नहीं बना था। तो गाइस सबको हैप्पी दिवाली, मेरा जितना भी व्यूअर है आप सबको। तो गाइस आज मेरे सामने एक बहुत ही मतलब एडवांस मतलब बहुत ही फीचर से भरा एक स्कूटी है। मेरे लाइफ में नहीं कह सकता हूँ, मैं अब तक की दिखा हुआ सबसे वन ऑफ द बेस्ट मतलब फीचर से भरा हुआ एक स्कूटी दिखा हूँ। तो इसलिए मैं इस स्कूटी से ना लिटरली इम्प्रेस्ड हो गया। उस वजह से मैं इस स्कूटी का एक छोटा मोटा रिव्यू मतलब एक वॉकआउट रिव्यू, इस गाड़ी का फीचर क्या है उसके बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट आप लोगों को स्कूटर के एक प्रॉपर वॉकअराउंड देता हूँ, आफ्टर ऑल स्कूटी के बारे में बात करता हूँ। गाड़ी का लुक्स और डिजाइन का बात करने जाए तो गाड़ी का लुक्स मेरे को सामने से ज्यादा पीछे का लुक बहुत ही बेहतरीन लगा। पीछे का लुक एक अलग सा मतलब स्पोर्टी लुक है, जो एक टी शेप का जो टेल लाइन दिया है उसके लिए गाड़ी का लुक्स और भी बेहतर हो रहा है। तो गाइस पीछे का लुक बहुत ही अच्छा है, गॉर्जियस है। बट सामने का लुक का बात करने जाए तो गाड़ी का जो हेडलाइट जहाँ पे दिया हुआ है वो एकदम बेहतरीन पोजिशन पे दिया हुआ है। बट मेरे हिसाब से सामने का लुक और भी बेहतर होता, मतलब डिज़ाइन और भी बेहतर होता तो और भी अच्छा होता। बट पीछे का लुक का कंपेरिजन है, सामने का लुक ठीक ठाक है। गाड़ी का डिज़ाइन का बात करना तो ये गाड़ी एरोडायनेमिक डिज़ाइन है। तो गाइस गाड़ी का इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करने जाए तो गाड़ी का 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है और इस गाड़ी का मैक्सिमम पावर है 9.1 bhp और 7500 rpm। और इस गाड़ी का मैक्सिमम टॉर्क की बात करने जाए तो 10.5 न्यूटन मीटर 5500 rpm। और इसका ट्रांसमिशन की बात करने होती है, CVT ट्रांसमिशन है। इस गाड़ी का वेट है 116 kg और इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5 लीटर। इस गाड़ी का फ्रंट ब्रेक का बात करने जाए तो गाड़ी का सामने एक डिस्क दिया हुआ है, ये एक बेहतरीन बात है। स्कूटी में डिस्क मतलब ब्रेकिंग सिस्टम और भी बेहतर हो गया। और फ्रंट डिस्क का साइज़ है 220 mm। और पीछे में गाइस दिया हुआ है ड्रम ब्रेक, उसका साइज़ है 130 mm सिंगल पिस्टन कैलिपर। इस स्कूटी का टायर और व्हील और सस्पेंशन की बात करने जाए तो ये जो व्हील है बहुत ही सेक्सी दिखने वाला और व्हील है, ये थोड़ा सा डायमंड कट अलॉय व्हील की तरह दिखने में है। और इसका जो टायर है ये बहुत ही चौड़ा है मतलब अदर स्कूटी से। और इसमें जो मतलब फ्रंट में जो सस्पेंशन दिया है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और पीछे का सस्पेंशन और टायर की बात करने जाए तो फ्रंट का टायर का हिसाब से पीछे का टायर और भी ज़्यादा चौड़ा है। और इसका जो रेयर सस्पेंशन की बात करने तो ये हाइड्रोलिक टाइप स्प्रिंग सस्पेंशन है। गाड़ी का जो सीटिंग पोजीशन, कंफर्ट और मतलब बैठने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होता क्या नहीं उसके बारे में आप बात करेंगे। मैं अराउंड 5 feet 10 inches हूँ, तब भी मैं बैठकर मेरे को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा है, जो पैड पे मतलब बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे से स्पेस मतलब यह मतलब जिन लोगों का लेग थोड़ा बहुत बड़ा है उन लोगों को बहुत ही कम्फर्ट है। उसके बाद इस गाड़ी का सीटिंग पोजीशन के बारे में बात करने तो आप देख ही रहा हूँ कितना वाइड सीट है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। पीछे का जो पिलियन का सीट भी वो भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है। तो गाइस इसका सीटिंग पोजीशन की बात करने जाओ तो बहुत ही अच्छा है, और क्या बताओ। हाँ तो गाइस गाड़ी का जो लाइटनिंग सिस्टम है मीन्स हेडलाइट, बैक का टेल लैम्प और जो इंडिकेटर है उस सबको आप मतलब उसका सब दिखाऊंगा क्या कौन सा LED हेडलाइट है और क्या बल्ब है। तो अब देखिए फर्स्ट आपको हेडलाइट दिखाता हूँ। हेडलाइट का बात करने जाए तो गाड़ी का हेडलाइट का जो पोजीशन एकदम परफेक्ट जगह पे दिया हुआ है। इस गाड़ी का हेडलाइट के नीचे जो छोटा लाइट है वो DRL है, इसका ऊपर का जो बड़ा लाइट है वो बल्ब लाइट है। एक बार लाइट को जला के दिखा दो। तो गाइस ये रहा हेडलाइट, और ये हेडलाइट बेसिकली रात को टाइम पे आई थिंक विजिबिलिटी समझ पाऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता। तो गाइस गाड़ी का इंडिकेटर का बात करने जाए तो गाड़ी का इंडिकेटर एकदम सही पोजीशन पे है, बिकॉज हैंडल बार का ऊपर इंडिकेटर रहेगा तो उसका विजिबिलिटी और भी बेहतर हो जाता है। और ये इंडिकेटर बेसिकली बल्ब है। पीछे का टेल लैम्प की बात करने जाओ तो ये टेल लैम्प की वजह से ही पीछे का लुक बहुत ही सेक्सी हो गया है। टेल लैम्प का लुक है टी शेप का, ये फुल्ली LED टेल लैम्प है। और ये जो टेल लैम्प है गाइस पीछे से बहुत ही ब्राइट है, मतलब आप ब्रेक मारोगे ना जब समझ जाएगा पीछे वाला बंदा ब्रेक मार रहे हो भाई। तो हम सबको पता है इंडिया पे जो BS4 वेरिएंट आने का बाद मतलब इंजन स्टार्ट देने से ही हेडलाइट ऑन हो जाता है,
तो गाइस इस गाड़ी में थोड़ा डिफरेंट है, इस गाड़ी को आप इंजन स्टार्ट दोगे तो ना हेडलाइट डायरेक्टली ऑन नहीं होगा, आपको एक स्विच दिया हुआ है तब आपको ये मतलब लाइट चलेगा। अभी देखिए गाड़ी रुका हुआ है, स्टार्ट दिया एक बार, देखिए स्टार्ट दिया बट हेडलाइट नहीं जला। अब स्विच दो, देखिए अब स्विच देने से हेडलाइट जला। मेरे को मतलब अभी तो सब गाड़ी में आपको पता है जो हेडलाइट ऑटोमेटिकली जल जाता है, ये रहेगा तो गाड़ी का बैटरी बहुत सेव होगा। ये बात गाइस सीरियसली मेरे को बहुत पसंद आया। तो गाइस ये है इस गाड़ी का हैंडल बार, और हैंडल बार पे आप दिख ही रहा बहुत कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे जो डिपर का स्विच और यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न, उसके बाद यहाँ पे हाँ एक चीज़ मेरे को इस स्कूटी में बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आई वाज इम्प्रेस्ड, लिटरली आई वाज इम्प्रेस्ड। रीज़न इसका किल स्विच है कि 125 सीसी का बाइक में किल स्विच नहीं होता है, मतलब 150 सीसी का हॉर्नेट पे आप देखो ना किल स्विच नहीं है, और एक स्कूटी में किल स्विच दिया हुआ है। ऑफ गाइस इट्स ऑसम, बाय द वे ये सभी दिया हुआ है आपको। अब मैं बातें करूँ इस गाड़ी का स्पीडोमीटर के बारे में। तक का मेरा दिखा हुआ ये मेरे सामने जो स्पीडोमीटर है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फीचर से भरा स्पीडोमीटर है, बिकॉज इसमें बहुत सारे मोड है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ दिखने को मिल जाएगा, जैसे हो गया टाइम, गाड़ी का फ्यूल, इंजन टेम्परेचर, ट्रिप मीटर, ये सब तो है। तो गाइस दिखने जाओ तो इस स्कूटी में 3 मोड दिया हुआ है। फर्स्ट जो मोड है वो है स्पोर्ट मोड, सेकेंड जो मोड है वो है टाइम लैप्स मोड, समथिंग मतलब आप कभी भी रेस कर रहे हो आप लैप को मतलब टाइम सेट कर सकते हो कितना टाइम के अंदर आपको कवर करना है। और थर्ड जो मूड है वो है स्ट्रेट मूड। मेरे हिसाब से अब तक की दिखा हुआ मतलब फर्स्ट टाइम मैं कोई स्कूटी में दिख रहा हूँ इतना सारा मोड दिया हुआ है। तो गाइस सेकंड थिंग इस स्कूटी में और एक बेहतरीन चीज़ दिया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इससे हेल्प से आप अपना खुद का जो मोबाइल है वो आप इस स्कूटी के साथ कनेक्ट कर सकोगे। ये बटन आपको 5 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा, उससे होल्ड करना पड़ेगा, उससे आपका जो मोबाइल के साथ स्कूटी में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ही फर्स्ट आपको आपका नाम दिखाएगा मतलब स्पीडोमीटर पे, उसके बाद आप मोबाइल का ऑपरेटर का हेल्प से आप नेविगेशन भी आप मतलब नेविगेशन भी आप सेट कर सकोगे, आपको जिधर पे जाना है जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है वो आप सेट कर सकोगे। सेकेंडली और एक चीज़, आप कितना किलोमीटर इंजन स्टार्ट करने के बाद आप कितना किलोमीटर आप स्कूटी को चलाया हो वो सब कुछ अपना मोबाइल पे सब कुछ दिखा देगा, कितना फ्यूल है, कितना फ्यूल ख़त्म हुआ है, सब कुछ आपका मोबाइल पे दिखा देगा, ये एक बेहतरीन बात है। तो गाइस इस गाड़ी का मतलब स्पेस मतलब जो इसका जो मतलब लगेज रखने के लिए स्पेस कितना है उसके बारे में आप बात करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है, मतलब जो बाज़ार में आप जाते हो तो कुछ बैग पैक झुलवाना हो तो यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बाद इसका नीचे का मतलब जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस कह सकते हो जो भी हो, तो यहाँ पे आप एक फुल फेस हेलमेट बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छी तरीके से रख सकते हो। और नाइट के लिए यहाँ पे लाइट भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है ये। और उसके बाद आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे USB पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मोबाइल रखना पड़ेगा, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ये तो मैं कह सकता हूँ। तेजा बाबा हाँ, उसके बाद यहाँ पे बोतल मतलब बॉटल रखने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, समझ रहे हो ना कौन सा बॉटल, ठीक है। और क्या स्पेस की बात है, ठीक ठाक दिया हुआ है और क्या। तो गाइस मेरा फ्रेंड अराउंड इस स्कूटी को चला है 2 महीना अभी तक हुआ है, इस स्कूटी का मतलब 600 किलोमीटर चला है, ज़्यादा नहीं चला है, बट उसमें मतलब वो ही किलोमीटर चलाने के बाद वो अराउंड इस स्कूटी से माइलेज मिल रहा है 40 to 45 km/h। आई थिंक एक स्कूटी के लिए ठीक तो नहीं कह सकते बिकॉज स्कूटी में और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट अभी ये दे रहा है, बाद में सर्विसिंग करने के बाद मे बी और भी ज़्यादा देगा, हो भी सकता है, अभी तो 40 से 45 दे रहा है। गाड़ी का मेरे को सबसे मतलब बेहतरीन बात लगा क्या है, इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नॉट, इट्स ऑसम। एक स्कूटी में ऐसा साउंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बट TVS ने वो दे दिया है। अब इसका आप लोग के एग्जॉस्ट नॉट एक बार आप लोग को सुनवाते हैं, देखिए ओफ नाइस एग्जॉस्ट नॉट, बस ठीक है। तो गाइस मैं अब इस गाड़ी का जो ओनर मेरा फ्रेंड रोनोब को आपको दिखाऊंगा, जो इस स्कूटी को परचेस किया है वो क्यों मतलब यही स्कूटी को परचेस किया उसके बारे में वो बताएगा। तो रोनोब आ जाओ। हाय गाइस, ये स्कूटी जो है ठीक है ये मैंने क्यों परचेस किया, इसलिए क्योंकि जो अदर जो स्कूटी है ठीक है उससे ये बहुत बेहतर है ठीक है, और इसका फीचर्स बहुत है, एपिला है, मगर एपिला का प्राइस उसका माइलेज बहुत मेरे बस का नहीं है ठीक है, माइलेज बहुत कम है, 30 से 35 देता है ठीक है, उसका प्राइस भी ज़्यादा है ठीक है, मगर ये जो स्कूटी है ठीक है इस प्राइस भी उससे कम है बट इसका माइलेज उससे ज़्यादा है ठीक है।
और इसका जो टायर है एपीले की तरह है, बट इतना बड़ा नहीं है, बट चौड़ा बहुत ही है, एपीले की तरह ही है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जो इसका जो डिजिटल मीटर है, एपीले तो एनालॉग अभी डिजिटल किया है, बट इतना स्मार्ट फीचर से इतना फीचर नहीं कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं सब कुछ देख कर ही ये स्कूटी लिया था, ठीक है। ठीक है, तो रोनॉब थैंक यू फॉर कमिंग। तो गाइस फर्स्ट मेरा जो दोस्त का जो हिंदी था उसको थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज हम लोग गाइस बंगाली, तो हम लोगों का थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। इस वीडियो में मैं स्कूटी को अराउंड 10 किलोमीटर चला था, वही मतलब 10 किलोमीटर चलाने का एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला था, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका, तो इसके बाद वो करूँगा तो वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट क्रॉस कर रहा था, तो गाइज इसलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, वो बात तो अलग है। तो गाइज होप आप लोगों को मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ, मतलब डिटेल पूरा स्कूटी में जो जो चीज़ था उसके बारे में, सब चीज़ के बारे में मैंने बात किया हूँ, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली मेरा वीडियो को लाइक करना, कुछ क्वेश्चन हो तो कॉमेंट कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।